दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात को कैसे पहुंचाएं। दूसरी चीज ये है कि हम विजुअलाइजेशन कैसे करें, हम कल्पना शक्ति को कितना ज्यादा स्ट्रांग करें जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगे। क्लियर हो रही है बात यहां पर? सबसे पहले हम सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं। आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी होंगी सबकॉन्शियस माइंड तक हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं, राइट? दो तीन टेक्निक्स होती हैं, बार बार आप उसको अफर्मेशंस दो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात चले जाती है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो कई लोगों का ये होता है कि सर हम कल्पना ही नहीं कर पाते हैं, हमारा विजुअलाइजेशन ही नहीं हो पाता है, हमारे दिमाग में फालतू के विचार आते हैं। कोई बात नहीं, मैं जो ये टेक्निक बताऊंगा ये मजे की टेक्निक है, अच्छे से काम करेगी। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये आती है कि हम अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं। तो सबसे पहले कुछ भी मत करना, सबसे पहले आप अपने जीवन में चाहते क्या हो, ये लिखना 10 पॉइंट, ठीक है? आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, 10 पॉइंट आप लिखो। अब आप चाहते हो कि मेरे रिलेशंस अच्छे रहें, हस्बैंड वाइफ के साथ हमारा रिलेशंस अच्छा रहे। अब ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊँ तो कभी नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कभी नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, मैं वो चाहता हूँ वैसा हो जाए। आपको जो लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, ठीक है? अब कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो वो क्या लिखेगा, मैं चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। क्या बोला मैंने? अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो वो क्या लिखेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को पैसे की दिक्कत आ रही है तो वो क्या लिखेगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, यूनिवर्स मुझे पर्याप्त से ज़्यादा पैसे दे रहा है। ये भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं आवश्यकता होने पर मुझे पर्याप्त से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। या कोई व्यक्ति के रिलेशंस खराब हैं, पति पत्नी के रिलेशंस खराब हैं तो वो ये लिखें, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं। तो वो आप देख लो आपका आपका क्या मनोकामना है, आपकी क्या विश है, जो भी है वो आप लिखो। 10 पॉइंट आप बनाना और उस 10 पॉइंट को आप अब किस तरीके से बोलना है, थोड़ा सा आपको रूडली बोलना है, मतलब थोड़ा सा गुस्से वाले स्वभाव में बोलना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करेगा। कैसे? अब आपको ये बोलना है, जैसे आप चाहते हो कि मैं महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुझे बोलता हूँ कि तू मुझे हर महीने आसानी से 5 लाख रुपए कमा के दे रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू मुझे हर महीने आसानी से 5 लाख रुपए कमा के दे रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं कि तू ये काम कर दे। सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं तू ये काम कर दे। सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं कि मेरे रिलेशंस को अच्छा बना दे। सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं कि तू मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहा है, स्वस्थ कर दे। क्योंकि ये भी दे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर में आता है, कर दूंगा नहीं, दे मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड, मैं चाहता हूं कि तू मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे। सबकॉन्शियस माइंड, मैं चाहता हूं कि तू मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे। थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से पुश करना है, बुश करना है। तू तड़ाके से जब आप बात करते हो तो थोड़ी सी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है। जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट होगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बेवकूफ़ समझेगा। ये आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे करने से कुछ फायदा होगा, बहुत फायदे होंगे, आप करके देखना। क्या होता है, जब आप करके किसी से बात करते हो ना, तो आप उसकी क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। जब आप सबकॉन्शियस माइंड की आप रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको बेवकूफ समझेगा। बात समझ में आ गई? आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बड़ा है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब आप उससे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उसको तू तड़ाके से बात बोलोगे, तेरे को ये करना है, मतलब आप ये समझ लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे समझ लो, थोड़ा शब्द ऊपर नीचे हो जाएंगे,
अदरवाइज नहीं लेना, बट समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। आप ये समझ लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर है, आप उस नौकर को आदेश दे रहे हो। अगर आप उस नौकर को बोलोगे आप ये काम कर दो तो वो सर पे चढ़ जाएगा। होता है ना ऐसा, आप किसी मेड को बोल दो आप ये कर दो, आप ये कर दो, आप ये कर दो, तो वो मेड क्या करती है, भाव खाती है। भाव खाती है इन द सेंस, मतलब उसको क्या लगता है कि इनको ना मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मैं एक दिन नहीं आऊँगी तो ये हड़बड़ा जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा अब मेड के साथ ऐसा रूडली बिहेव नहीं करना, भाग जाएगी नहीं तो। ठीक है, मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो तो वो आपकी नहीं करता। अब वो बात अलग है, अदर थिंग में जाएंगे तो हम रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। ये दिमाग में मत लाना कि सर रिस्पेक्ट अगर देंगे तो, रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगी, बट हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम अभी दूसरे के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देना, ये आपका नौकर है, ये आपका काम करेगा। आपने यही आदेश दो कि सबकॉन्शियस माइंड मैं चाहता हूँ कि तू ये कर दे। आप देखो जब आप कंटिन्यूअसली ये बात बोलते हो बोलते हो बोलते हो बोलते हो ना, आप देखोगे कि एक समय के बाद वो घटना घटने लगेगी और आपका विजुअलाइजेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड पे हिट मारा, आपने वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़ोर से पिंच किया और वो धीरे 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 होगा। ऐसा नहीं है कि आज करोगे दो दिन में हो जाएगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से बात करते हो, इस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हो, तो वो एक्टिव होता है और वो आपकी बात को मानता है। मैंने आपको जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हम कैसे करें, तो सबकॉन्शियस माइंड तक हम अपनी बातों को इस तरीके से पहुंचा सकते हैं और डेफिनेटली